शमशेर सिंह के लिए जोरदार तालियां। आओ महारथी। सिद्धू साहब, कितनी शर्म की बात है, पुलिस को अपने लिए खुद तालियां बजवानी पड़ रही हैं, आपको खुद खुद बजानी चाहिए। पता नहीं हमारा हक हमें कब मिलेगा। सिद्धू साहब, आम आदमी अपने घर जाता है, बच्चे भाग के लिपट जाते, पापा आ गए, पापा आ गए। हम जब अपने घर जाते, बच्चे डर के छुप जाते, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। यार सारा दिन धूप में खड़े रह रहे के ड्यूटी करते हैं हम लोग, हमारा खुद का मुंह लाल बत्ती जैसा हो गया है। कितना हम लोग अपनी खुशियों का बलिदान करते हैं, फिर भी हमें लोग भला बुरा कहते हैं। लेकिन जब कोई मेरे हाथ में आ जाता है ना, मैं हाथ पकड़ के मरोड़ता हूँ, फिर वो हवलदार बोलने वाला मेरे को सर बोलता है, थोड़ा और एक दो थप्पड़ मारूं, फिर इंस्पेक्टर पे आ जाता है। जैसे थप्पड़ पड़ते जाते, तरक्की होती जाती, और मैं भी जब तक कमिश्नर नहीं बन जाता, छोड़ते मैं भी नहीं। एक काम पे एक फटाके मुर्दा का। और दारू पी के गाड़ी चलाने वालों से मुझे सख्त नफरत है पाजी। अच्छा, सारी रात शराबियों के मुंह सूंघ सूंघ के हमारा खुद का मुंह दारू की बोतल जैसा हो जाता है। अब कोई वोदका पी के निकला है, कोई ब्रांडी पी के निकला, कोई रम पी के निकला है, अलग अलग ब्रांड मिक्स हो जाते हैं, हमारा अपना हैंगओवर हो जाता है। अरे दिन ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, हथियार बंदूक पिस्तौल, इतना दिमाग खराब हो जाता है ना, घर जाते ना अपनी बीवी पिस्तौल जैसी दिखने लगती है हमें। अब ये बैंड्रा मेरी ड्यूटी लगी थी, लड़के बाइक लेके निकले 40-50, सबके सब अपने आप को जॉन अब्राहम समझ रहे हैं, एक आध हाथ में आ गया, कान पे लगा दी, फिर कहते पुलिस बुरी। हम करे तो करे क्या, हम तो उनको पकड़ भी नहीं पाते, उनके पास नए नए मोटरसाइकिल, हमारी पता नहीं 67 की जीपें दी हुई हमें। जीप भी ऐसी, मैं क्या बताऊं, कल मैं किसी का पीछा कर रहा था, जीप का नीचे वाला सोल निकल गया, मेरे घुटने छिल गए। हथियार हमारे पास नहीं है, दूसरे गुंडे आते धड़ाधड़ मशीन गन चला के निकल जाते, हमें ये पिस्तौल दी हुई है, 6 से ज्यादा गोलियां चलती नहीं। ये फिल्म वालों ने हमारी इमेज खराब की हुई है। फिल्म वाले जो इंस्पेक्टर होते हैं, इनकी गोलियां तब तक खत्म नहीं होती जब तक गुंडे सारे मर नहीं जाते। हम लोगों को निशाना लगाना पड़ता है, ये जो फिल्म वाले होते हैं इनको कोई निशाना लगाना पड़ता है, ये जिधर मर्जी गोली चलाते, गुंडे खुद खुद सामने आके गोली खाते। हथियार हमें मॉडर्न देने चाहिए, ये पिस्तौल देखो दी हुई है, 6 गोलियां आती हैं, 5 मोरियां इसकी ऑलरेडी बंद है। एक ही मोरी खुली है, वो भी ऐसे नहीं चलती, उसको भी उल्टा करके चलाना पड़ता है, रिवर्स गोली मारती हो। किस दिन सीधी चल गई, हमारी जान खतरे में, करे तो करे क्या भाजी। और आप देखिए फिल्मी जो पुलिस वाले होते हैं, उनको बीवियां दे देते हैं करीना कपूर जैसी, वो खुशी खुशी ड्यूटी करते हैं, हम लोग घर जाते हैं। तू मलिकाए हसीना है, गजब की महजबीना है, रूप तेरा ये मस्ताना जैसे सावन का ये महीना है, तेरी एक झलक देखने के लिए दीवाने बरकरार रहते हैं, हमारी करीना बॉलीवुड का नायाब नगीना है। क्या बात है, थैंक यू। करीना बॉलीवुड का नायाब नगीना है, भाभी ने ये बातें सुन ली, मुश्किल कर देना आपका जीना है। हमें पता ही नहीं था आप आने वाली, नहीं तो फालतू में इतनी लाइटें लगवाई तो 1000 वाट का बल्ब आ रहा है। देख लो भाजी, फालतू में लोग कहते हैं कि पुलिस वाले से लोग डरते हैं, अगर ऐसी चीज होती तो इतनी खूबसूरत लड़कियां यहाँ पे हमसे मिलने आती। हाउ कैन आई डू फॉर यू, शमशेर सिंह। शमशेर सिंह, लेकिन मैं सिंघम से मिलने आई हूँ। या सिंघम, मगर अभी कहा कि आप शमशेर सिंह। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं एक्चुअली, मैंने कहा कि मैं शमशेर सिंह का सीनियर सिंघम सिंह। या तो एक बात बताओ, अगर तुम मेरे सिंघम हो जी, तो अगर गुंडों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया तो तुम क्या करोगे? मैं 5वीं तरफ से निकल जाऊंगा। नहीं देखिए, गुंडों से डरते हैं ना, सिक्स पैक नहीं है आपका? नो, मेरे सिंघम के पास तो सिक्स पैक है। चलिए बताइए आपका सिक्स पैक। वर्दी खोलिए। देखिए ऐसा है, ड्यूटी के टाइम हम खोल नहीं सकते। इतनी देर से खड़ी हैं, मैंने आपको छेड़ा? छेड़ के बताओ, ये ऑफर है? आपको पता है जी, जब कोई मुझे छेड़ता है जी तो कौन आता है? कौन आता है? मैंने किसे डरता, कौन आता है? आप खुद ही देख लीजिए। मेरा सोला का डोला,
वतन के साथ धोखा आना अब माफ होगा, गरीबों और मजलूमों के साथ इंसाफ होगा। लौट आया है सिंघम सबकी रक्षा करने, अब देखना देश के दुश्मनों का पत्ता साफ हो। वेलकम सर। पाजी ये सब आप सोचते कैसे हो? अरे सर कंप्यूटर लगा हुआ खटाक, नो प्रॉब्लम। हाँ जी तो आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था जी, मैं तो वैसे ही आया था, मैंने कहा चाय वगैरह लेंगे आप? मैं तो वर्दी किराए पे देता हूँ। मैं सिंघम साहब का नाम कैसे यूज कर सकता हूँ? मैं इनका नाम यूज करके मरना है। ये मुंह से कम बोलते हैं, हाथों से ज्यादा बोलते हैं। अच्छा सिंघम साहब एक बार बताइए कि ये मतलब करीना जैसी गर्लफ्रेंड साथ में होने से अच्छी ड्यूटी होती है कि अच्छी ड्यूटी करने पे ऐसी गर्लफ्रेंड मिलती है? जैसा कि आपने अभी इनको थोड़ी देर पहले 1000 वॉट का बल्ब बताया, जी जी है, तो फिर वैसा जनरेटर भी चाहिए जिससे 1000 वॉट का बल्ब जाए। इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हेलो अजय सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े फालतू हैं। सर हम में कोई फर्क नहीं है। फालतू और फालतू। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? इंस्पेक्टर साहब आपसे मैं जरा बाद में बात करता हूँ सर। जी। बाहर झगड़ा हो गया, कोई 50-60 लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। किस तरफ? जल्दी जाओ ना। किस तरफ झगड़ा हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। तो मैं इस तरफ निकल लेता हूँ। बोलो ना। जी। तो अंदर से मैं डाकिया बन जाऊंगा। तो डाकिया पे लोग हाथ नहीं उठाते हैं एक्चुअली। नहीं मैं तो मैं चेंज करके आता हूँ सर। नहीं मैं बाहर आता हूँ। उन्होंने बहुत जरूरी मारना था आपको। सर कैसे हैं आप? हाँ लेकिन पहले आप है कौन? मैं जी अगर बता दिया तो आप बाहर निकाल देंगे। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वरना नहीं निकालो? वो सर मैं असल में पहले यहाँ काम करता था, मेरे पास पैसा कोई नहीं था, मैंने कहा इनके घर काम करता हूँ, बाद में पता चला इनके पास भी कुछ नहीं है। तो सर मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है। अच्छा। वो जो दिल वाले थी ना आपकी फिल्म जी, जब आपको रवीना छोड़ देती है मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसी वक्त बोल दिया था, मैंने कहा देखना एक दिन ये लड़का जितनी मोहब्बत करता ना, इसको रवीना तो क्या है, इसको करीना मिलेगी। और आज मुझे खुशी भी बहुत हो रही है और दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का? खुशी इस बात की हो रही कि जो मैंने बोला वो पूरा हो गया, और दुख इस बात का कि मैंने अपने लिए क्यों नहीं बोला। पागल जो मुंह में आता निकल जाता है। मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा। वहाँ पर एक ही कमरे में हम 19-20 दोस्त रहते हैं। अच्छा। एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा। और अक्सर हमारी सपने पे लड़ाई होती है। अच्छा। एक दूसरे के ऊपर ही सोते हैं ना, तो सबको एक ही सपना आता है। सब कहते हैं करीना मेरी है, करीना मेरी है, करीना मेरी है। बस इसी बात में झगड़ा हो जाता है। मैंने फिर उस वक्त अंदाजा लगाया जे भाई कि दुनिया में पेट्रोल के बाद अगर दूसरी कोई लड़ाई होगी तो वो करीना पे होगी। मेरा भी सपना था कि मैं भी कभी पुलिस वाला बनूं, पुलिस में रहूं। पुलिस वालों की किस्मत अच्छी है कि आपने। बस मेरी माँ कहती थी बेटा एक दिन तो पुलिस में जाएगा, एक दिन नहीं बस हफ्ते में एक दो बार चला जाता हूँ उनके पास। पार्टी पार्टी करते फिर मेरे साथ वहां पर, फिर खुद ही छोड़ने के लिए आ जाते हैं। पार्टी के बाद खुद मुझसे चला नहीं ना जाता। तो छोड़ने आते हैं। छोड़ने आते हैं। मैं
थोड़ा सा लेट आ जाओ भिखारी घर में घुसने लगते हैं। करीना देखी नहीं कमीने बाहर आ गए, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारे गेस्ट को मैं एंटरटेन कर रहा था। थैंकलेस पीपल, पास बंद करो, बाहर दबा जाओ। आ जाऊंगा फिर, आ जाऊंगा, मेरे पास पैसे की कमी। बदतमीज आदमी। एक बार अजय देवगन और करीना कपूर के लिए जोरदार तालियां। सर प्लीज आप यहां विराजमान हो जाइए। कपिल अब इतनी लेट क्यों आए? मैं लेट इसलिए, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू चेक डिड यू मिस मी। I missed you. Pakka? 100%. मम्मी, मम्मी, तू मेरे को कहती है ना बचपन में कुछ नहीं बनूंगा, देख करीना कपूर मेरे को मिस कर रही है।